नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा 2023 पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार सहित देश विदेश से जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। बद्रीनाथ केदारनाथ सहित चार धाम का जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं श्रद्धालु यात्रियों ने अगर यह काम नहीं किया तो उन्हें चारों धाम के दर्शन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार ने से कोविड रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया है। इसके तहत चार धाम पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर तीर्थयात्रियों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। कोविड को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से कोविड जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा 2023 को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से यात्रा रूट पर लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड में कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और टेम्परेरी कैंप भी लगेंगे जहां कोविड का टीकाकरण हो सकता है। तो कृपया यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस बात का ध्यान रखें।